मेरा नाम वेद प्रियंका चौहान, एमडी, थर्ड ईयर स्कॉलर, द्रव्यगुण डिपार्टमेंट, जेएस आयुर्वेद महाविद्यालय, नड़ियाद। आज हम हेयर फॉलिंग के बारे में बात करेंगे। हेयर फॉलिंग की जब भी बात आती है तो सबसे पहला ड्रग आता है भ्रूंगराज, तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। भ्रूंगराज का बॉटनिकल नेम है इक्लिप्टा अल्बा, उसके फैमिली है कंपोजिटी एंड एस्टेरेसी। हमारे आचार्य चरक और सुश्रुत ने कास एवं श्वास व्याधि में भी भ्रूंगराज तेल का प्रयोग बताया है। और दूसरा आचार्य हमारा जो वाग्भट है उसने भी स्वित्रों में सफ़ेद दाग में उसको देने के लिए बोला है। हमारे संहिता में उसका सिनोनिम दिया है, मतलब पर्याय दिया है, तो वो पर्याय का एक सभी पर्याय का कुछ मीनिंग होता है। तो उसमें सबसे पहला पर्याय उसका नाम भ्रूंगराज क्यों रखा है, तो उसका मीनिंग वो है कि भ्रमर को, वो जो हमारी भ्रमरों है उसको आनंदित करता है। दूसरा उसका पर्याय है मार्कव, जो सिर के बालों को श्वेतता को नष्ट करता है, इसलिए उसको मार्कव कहा जाता है। तीसरा उसका पर्याय है केशराज, केशों के लिए हितकारी होने के कारण और उसको सुशोभित करता है, इसलिए उसको केशराज बोला है। चौथा सिनोनिम्स है केशरंजन, जो हमारा केश होने के कारण केशों को रंग देता है, इसलिए उसको केशरंजन बोला गया है। बाद में आता है वानस्पतिक वर्ण, तो जो भ्रूंगराज है उसका क्षुभ होता है और वो 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, उसकी हाइट होती है। और कई आचार्यों ने उसका 3 भेद दिया है, कई आचार्यों ने उसका 2 भेद दिया है। तो हम सबसे पहले 3 भेदों की बात कर रहे हैं। श्वेत पुष्प, उसका पहला टाइप है श्वेत पुष्प, पित्त पुष्प और कृष्ण पुष्प। तो ये जो भ्रूंगराज है वो श्वेत पित्त पुष्प वाला है, और श्वेत पुष्प में ये जो पुष्प है वो श्वेत कलर का आता है। और कृष्ण पुष्प के जो भ्रूंगराज है उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हमको ये 2 टाइप्स का भ्रूंगराज मिलता है। बाद में भ्रूंगराज का आता है गुणकर्म। भावप्रकाश निघंटु में भ्रूंगराज का गुणकर्म दिया है। भ्रूंगारह कटुक तीक्ष्ण वृक्ष उष्ण कफवातनुत केशस्य त्वस्य कृमी श्वास कास शोथानामनुवात दंतयो रसायनु बल्यम कुष्ठम नेत्र शिरोनुत। तो ये उसका गुणकर्म है। बाद में आता है उसका रस। तो भ्रूंगराज का जो रस है वो कटु तिक्त है, उसका गुण लघु रुक्ष है। उसका कर्म, तो वो दोष के ऊपर कैसे काम करता है, तो वो दोष में कफात का शमन करता है। धातु में उसका रसायन कर्म है, और अन्य कर्म भी बहुत सारा भ्रूंगराज का है, उसका सिर्फ मैं नाम ही लूंगी। वो चक्षुष्य है, केश्य है, व्रण्य है, दीपन करता है, पाचन भी करता है। बाद में आता है उसका उपयोग। आज हम सिर्फ हेयर फॉलिंग के बारे में बात करते हैं, तो दूसरा उसका यूज के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। तो उसको केश के लिए कैसे हम यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम भ्रूंगराज का स्वरस केश वर्धन के लिए ज़्यादातर यूज करते हैं। अनदर उसका यूज है व्रण्य है, स्वित्र में है, कास में है, श्वास में है, कृमिघ्न है, कुष्ठ में है, उपदंश में है, और सूर्यावर्त में भी उसको देते हैं। आजकल हम ज़्यादातर लोग भ्रूंगराज तेल का निर्माण घर पे ही बनाते हैं, तो हमारे आचार्यों ने उसकी निर्माण विधि बताई है। हम घर पे बनाते तो है, लेकिन उसकी क्या सही तरीके से हम बनाते हैं तो उसका सही फायदा मिलेगा। हमारे आचार्य शारंगधर ने जो उसका वर्णन दिया है वो विधि बताई है चैप्टर 8 में, तेल और घृत निर्माण विधि में। तो उसका जो प्रमाण है वो आज हम डिस्कशन करेंगे। तो भ्रूंगराज तेल का सबसे पहला जो उसमें कौन से कंटेंट यूज करता है, तो उसका श्लोक है भ्रूंगराज रसने वह लोह कीटम फलम त्रिकम सारिवाच पंचत कलकेश तेलम दारुण नाशनम अकाल फलितम कंडु इंद्रलुप्तम च नाशनम। मतलब तेल में कौन से मेन से भ्रूंगराज तेल में 5 द्रव्य यूज किया है, उसमें सबसे पहला है लोकिट, दूसरा है ये हरितकी है, दूसरा है ये आमला है, ये विंटर सीजन में बहुत मिलता है, ये बिभीतकी है, और जो 5वां है वो भ्रूंगराज है। तो उसका हमको प्रमाण कैसे लेना है, तो ये जो 5 द्रव्य मैंने बताया है वो सेम पार्ट में लेना है, सभी पार्ट एक एक पार्ट लेना है, और वो जो कुल मिला के पार्ट होता है उसका कल्क बनाना है। वो कल्क बनाने के बाद उसका 4 गुना हमको तेल लेना है, और तेल लेने के बाद हमको जो उससे 4 गुना हमको भ्रूंगराज का, इसमें हमको पित्त भ्रूंगराज से ज़्यादा जो सफ़ेद फ्लावर होता है, सफ़ेद पुष्प वाला फ्लावर वाला जो भ्रूंगराज है वही यूज़ करना है, क्योंकि उसका फायदा बहुत ज़्यादा है। तो वही भ्रूंगराज का स्वरस हमको 16 गुना करना है। बाद में हमको उसको अग्नि पे रखना है, तब तक हमको पकाना है। तो उसकी हमारे आचार्यों ने परीक्षण विधि बताई है, तो हमको जब तक वो तेल तक न रहे तब तक हमको उबालना है, सारा पानी और स्वरस उबालना है। तो बाद में हमारा तेल
बन गया है या तो पक गई है उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसका उसके लिए हमारा परीक्षण दिया है। तो उसमें सबसे पहले परीक्षण पद्धति है, हमारा जो कल्क है वो हमें चम्मच में लेके उसकी वर्ती बनानी है। अगर वो वर्ती हमको वो टूटती नहीं है और पूरी वर्ती बनती है तो उसका मीनिंग कि अभी हमारे जो तेल है उसमें पानी नहीं है, वो हमारा तेल पक गया है। और दूसरी परीक्षा है हमको अग्नि परीक्षा, हमारा जो कल्क है वो अग्नि पे डालना है। अगर उसमें पानी रहेगा तो उसमें तड़तड़ जैसे आवाज आएगा, और पानी नहीं है तो उसमें आवाज नहीं आएगा। तो वो दोनों परीक्षण पद्धति है कि वो हमारा तेल बन गया है। आजकल हमको सबको ऐसा लगता है कि जो हेयर फॉलिंग है वो सिर्फ हमको एक्सटर्नली प्रॉब्लम है, सबको ज़्यादातर लोग ऐसे ही मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादातर लोग ऐसे मान के शैम्पू आयुर्वेदिक या आयुर्वेदिक तेल ले लेते हैं, लेकिन उससे बहुत बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल बात करेंगे। जितना इंटरनल एक्सटर्नली प्रॉब्लम है उतना ही इंटरनली प्रॉब्लम है। अगर हमारे बॉडी में कफ बढ़ गया है, पीत बढ़ गया है, तो हमारे बॉडी में उसका सिर पे कफ का अनुबंध हो जाएगा। अगर कफ का अनुबंध है तो हम आयुर्वेदिक तेल या शैम्पू यूज़ करेंगे फिर भी हमको इतना फ़ायदा नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले हमको तब कहाँ क्या करना है, तो हमको इंटरनल मेडिसिन लेके कफ का जो अनुबंध है वो हमको तोड़ना है। वो तोड़ने के बाद हमारा जो हेयर का पोर्स है वो ओपन हो जाएगा और हमारा हेयर ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये खास ध्यान रखना है। और इंटरनली मेडिसिन में भृंगराज स्वरस का हम नस्य कर सकते हैं, भृंगराज गणवटी ले सकते हैं, भृंगराज चूर्ण ले सकते हैं, और एक्सटर्नली भृंगराज तेल और आयुर्वेदिक वाला कोई भी शैम्पू हमें जो हमारे बालों के लिए सही है वो हमको यूज़ करना है। थैंक यू।